एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आई एम ग्लैड कि आप सबको मेरे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं। मैं आज आप सबके लिए एक न्यू हॉरर इंसिडेंट लेकर आया जो ट्रू इवेंट पर बेस्ड है। और एक सबसे रिक्वेस्ट थी मेरी, आप सब यार मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हो, मैं आप सबके कॉमेंट्स देखता हूँ, सारे पॉजिटिव है, यानी आप सबको पसंद आ रही है। बट पता नहीं क्यों यूट्यूब मेरे वीडियोज़ को रीच नहीं दे रहा है, नवे लोगों तक वीडियो नहीं पहुँच पा रही है, जिससे नवे लोग हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट थी कि जब भी आप वीडियोज़ देखते हो मेरे, वैसे मैं हमेशा 3 बजे अपलोड करता हूँ दोपहर को, जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ, तो जितने हमारे लोग हैं, जितने हमारी ऑडियंस है, वो सारे ट्राई करना कि 3 बजे ही मेरे वीडियो को देख लिया करें। अगर एक साथ ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को एक ही टाइम पर देख लेंगे अपलोड होते ही, तो यूट्यूब रीच देगा हमारी वीडियोज़ को, नवे लोग हमसे जुड़ पाएंगे एंड चैनल हमारा ग्रो होगा। और अगर आप सब इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट है जो आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करे जाने चाहिए, ये नहीं मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, मैं उन सबको रीड करता हूँ स्टोरीज़ को एंड यहाँ सबके साथ शेयर करता हूँ। एंड आप सबके जो कमेंट्स होते हैं उन सब पर अपने ओपिनियन भी शेयर करता हूँ। तो विदाउट डैमेज करें हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ राकेश ने शेयर करा है। राकेश मध्य प्रदेश में ग्वालियर जो जगह है उसके बगल में एक गाँव है, वहाँ से बिलोंग करता है। एंड राकेश की फैमिली में राकेश, राकेश के मम्मी पापा और राकेश के दादा दादी है। और ये जो पूरा इंसिडेंट है वो राकेश के दादाजी के साथ हुआ है। एंड जब ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था वो काफ़ी समय पहले की बात है, उस समय की बात है जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे, डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं थी, जो गांव थे वो बहुत पिछड़े होते थे और गांव से शहर तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, खेतों से जाना पड़ता था, टूटी सड़कों से जाना पड़ता था, जंगलों के बीच से जाना पड़ता था, ये उस समय की बात है। एंड जो राकेश के दादाजी थे उनका काफ़ी दबदबा था पूरे गांव में, उनके खेत बहुत सारे थे, वो काफ़ी रिच थे। अब उनका रूटीन क्या था, वो हर सुबह शहर को निकल जाते थे और शहर से शाम को आते थे व्यापार कर वापस गांव, और इसी वजह से वो काफ़ी रिच थे। पूरे गांव में उनका मान सम्मान बहुत किया जाता था क्योंकि वो बहुत अच्छे दिल के थे, साफ दिल के थे, जिसको भी मदद की ज़रूरत होती थी वो उसकी मदद हमेशा कर देते थे क्योंकि उनके पास काफ़ी पैसे थे। तो अब ऐसे एक पर्सन था गांव में, छोटा सा जो किसान था, उसका नाम शंकर था। शंकर की बेटी की शादी थी और लड़के वालों की तरफ से कुछ सामान की डिमांड थी और शंकर ने अपनी बेटी की शादी करानी थी। वो सिर्फ खेती करता था तो ज़्यादा पैसे ना होने की वजह से वो सबसे उधार मांग रहा था क्योंकि उसको अपनी बेटी की शादी करानी थी, और उधार का जो अमाउंट था वो इतना बड़ा था कि कोई भी गाँव में सक्षम नहीं था उसकी हेल्प करने के लिए, या फिर करना नहीं चाहता था। उसने अपने रिलेटिव्स वगैरह में भी बोला पर किसी से भी उसको मदद नहीं मिली। एंड एट लास्ट जो राकेश के दादाजी थे उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे जो वो बड़ा अमाउंट था वो सारा का सारा शंकर को दे दिया कि अपनी बेटी की शादी करा, कोई बात नहीं, जब तेरे पास समय होगा, जब तू लौटा पाएगा तब लौटा दियो। एंड इसी वजह से शंकर इतना ज़्यादा उनका सम्मान करता था, जब भी वो व्यापार के लिए शहर जाते थे उनके पैर छूना, उनको राम राम करनी, उनके गले मिलना, वो उनको ताऊजी कहता था। शंकर राकेश के दादाजी को ताऊजी कहकर बुलाता था। तो हमेशा उनकी काम करना, उनकी इज्जत करना, उनके छोटे मोटे काम कर देना, खेतों में मदद करनी, तो वो हमेशा कोशिश करता था कि मैं कैसे तैसे इनके काम आता रहूं क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी मेरी हेल्प करी है। एंड अब ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। एक दिन क्या होता है, जो राकेश के दादाजी थे वो हमेशा की तरह गाँव से शहर जा रहे थे। अब ये गाँव से शहर कैसे जाते थे, इनके गांव से जाते वक्त टूटे फूटे रास्ते थे, फिर खेतों से होकर जाना पड़ता था, फिर जंगल वाला रास्ता आता था उसके बगल से एक रोड जाती थी जहाँ से इन्हें बस मिलती थी, और 2 या 3 टाइम बस चलती थी पूरे दिन में, उस बस को पकड़ के ये शहर पहुँचते थे। बट शहर से अगर किसी भी वजह से तुम्हें बस ना मिले तो जो जंगल वाला रास्ता था वो काफ़ी शॉर्टकट पड़ता था, तुम्हें खेतों तक ले आता था, खेतों से तुम पैदल अपने गाँव आ सकते थे। तो एक दिन क्या होता है, राकेश के दादा हमेशा की तरह खाना वगैरह खाकर ब्रेकफास्ट कर शहर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में गांव से जाते हुए लोग मिलते हैं, शंकर भी मिलता है, सब मिलते हैं, सबसे राम राम करते हुए खेतों से होते हुए वो मेन सड़क तक पहुंच जाते हैं जहां पर जंगल भी था, एंड वहां से बस पकड़ते हैं और शहर पहुंच जाते हैं। अब नॉर्मली जब राकेश के दादा घर आते थे वापस तो 6-7 बजे तक घर आ जाते थे, बट उस दिन उनको आने में थोड़ा समय लग गया, और जैसे ही वो बस वाले रास्ते पर पहुँचे जहाँ से उनको बस मिलनी थी खेतों तक के लिए, वो बस उनकी मिस हो गई और उनको बस की जगह जंगल वाले रास्ते से आना पड़ा, और वो वैसे लेट हो गए थे, 7-7:30 का समय हो चुका था। अब वो जैसे जंगल वाले रास्ते आने लगे, क्योंकि वो उनको शॉर्टकट पड़ता और वो सड़क से आते तो उनको 2-3 घंटे लग जाते। अब जैसे वो जंगल वाले रास्ते आने लगते हैं और कुछ दूरी तक पहुंचते हैं और अंधेरा हो जाता है, अब वो चलते चलते जा रहे हैं और सडनली ना उनको डर लगने लग जाता है बहुत ज़्यादा,
और वो डर भी ऐसा होता है कि जब तुम्हारे पास आसपास नेगेटिव एनर्जी आती है तो तुम खुद ही मन में ना चंचल होने लग जाते हो, दबाव आने लग जाता है, तुम खुद डरने लग जाते हो, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, तुम घबराहट शुरू हो जाती है तुम्हारे अंदर। अब वो अपना नॉर्मल चल रहे थे, कुछ दूर चलते ही उनके अंदर ये सारे के सारे फीलिंग्स अचानक ही आ गई कि उन्हें घबराहट होने लगी, डर लगने लग गया। अपना वो चल रहे हैं ये सोच में कि शायद यार पीछे कोई चल रहा है, कोई आवाज़ आ रही है, बट उन्होंने एक बार पीछे देखा कोई नहीं है, घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, दो बार देखा कोई नहीं है, फिर चल रहे हैं और अब वो जंगल के बीचों बीच पहुँच गए हैं जहाँ से ना वो पीछे जा सकते हैं, आगे जाने में उनको डर लग रहा है, अंधेरा प्रॉपर हो गया, अब वो इतना ज़्यादा घबरा गए कि उनको ऐसा लग रहा है कि सच में मुझे कोई फॉलो कर रहा है। कुछ दूरी पे पहुँचने के बाद उनको एक आवाज़ आती है, ताऊ जी आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो? और वो एकदम से पहचानते हैं कि यार ये आवाज़ सुनी हुई लग रही है, वो पीछे मुड़ के देखते हैं, देखते शंकर है। शंकर एकदम से बोलता है ताऊ जी आप कहाँ जा रहे हो, यहाँ जंगल वाले रास्ते इतनी रात को अकेले क्या हो गया? तो इतने में ताऊ जी बोलते हैं बस मिस हो गई थी तो मैं इसलिए पैदल यहाँ से निकल रहा हूँ, तू कहाँ से आ रहा है? तो शंकर बोलते हैं बगल वाले गाँव गया था काम से एंड इसलिए आते वक्त लेट हो गया, आप यहाँ पर जल्दी चलो, यहाँ से रुको मत, यहाँ पर रुकना हमारा सेफ नहीं है, जंगल का इलाका जितने जानवर हो सकते हैं और वैसे भी ठीक नहीं, आप चलो बस चलो। और वो एकदम से चल पड़ता है और जो शंकर होता है उसके हाथ में लालटेन होती है और लालटेन में दिया वगैरह जल रखा होता है तो रोशनी हो रही होती है थोड़ी थोड़ी, तो दादा की भी ना हिम्मत हो जाती है थोड़ी कि ठीक है यार कोई मुझे साथी मिल गया कि अब चलते हैं। और मौसम भी ख़राब हो रखा होता है, तेज हवा चल रही होती है और ऐसा हो रखा होता है कि कभी भी बारिश आ जाएगी। और थोड़ी दूर चलते हैं और शंकर ना दादाजी से बात करने लग जाता है और दादाजी भी शंकर से बात कर रहे हैं कि यार ये टूटी सड़कों का कुछ करना पड़ेगा और खेतों का कुछ करना पड़ेगा। फिर ऐसी बात करते करते शंकर से पूछते हैं कि तेरी बेटी का मतलब कैसा चल रहा है सब कुछ, वहाँ हम ससुराल में सब ठीक है, उनकी फसलें कैसी हो रही है, सब बढ़िया है ना, और तेरा काम सब कैसा चल रहा है? ऐसे बात करते करते थोड़ी दूर तक पहुँचते हैं कि ना एकदम से दादाजी को फील होता है कि किसी ने ना उनका हाथ पकड़ा, जबकि शंकर इस साइड चल रहा था और दादाजी इस साइड चल रहे हैं और यहाँ से उनका हाथ पकड़ा और वो जैसे पीछे मुड़ते हैं एकदम से शंकर उनकी पीठ पकड़ता है और बोलता है कि बस सामने चलते रहो, कुछ भी हो जाए आपको किसी भी हालत में पीछे नहीं मुड़ना है, ना पीछे मुड़ना है ना पीछे देखना है। और दादाजी एकदम से डर जाते हैं कि शंकर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है और इस साइड से मेरा हाथ किसने पकड़ा, और वो घबराहट उनके मन में पहले ही थी। तो दादाजी भी समझ गए कि जंगल वाले रास्ते में पहाड़ी लोगों को पता होता है कि यार ये भूत प्रेत का भी सीन होता है, तो वो चलते गए और शंकर ने जैसा बोला कि पीछे किसी भी हालत में आप नहीं मुड़ोगे, आपसे एक कदम पीछे मैं आऊँ, मेरे हाथ में लालटेन है, डरना मत, रास्ता दिख रहा, बस चलते रहो। तो वो चलते रहते अब अचानक ही थोड़ी दूरी पर जब पहुँचते हैं उनकी लालटेन बंद होने लग जाती है और रोशनी कम होने लग जाती है और दादाजी बोल रहे हैं शंकर को कि अंधेरा हो रहा है, ये लालटेन बुझ रही है, इसको देख थोड़ा ठीक कर। और वो फील किया करते हैं कि उनके पैरों के साथ ना पैर चल रहे हैं दादाजी के राइट वाली साइड पर, क्योंकि लेफ्ट वाली साइड पर शंकर था, राइट वाली साइड पर जैसे जैसे वो कदम रख रहे हैं कोई उनके साथ कदम रख रहा है। और शंकर पूरी कोशिश कर रहा है कि उनको बस डाइवर्ट करता रहे, उलझाता रहे बातों में। और थोड़ी दूरी पर जाते ही जो लालटेन थी वो बिल्कुल बंद हो जाती है और दादाजी इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उनको सामने कुछ नहीं दिख रहा। और वो शंकर को बोल रहे हैं शंकर मुझे आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं कैसे चलूँ आगे, तू आगे आ जा या लालटेन को जला। उनकी आवाज़ भी बिल्कुल डरावनी होगी, डर वाली होगी आवाज़, वो बोल रहा है शंकर मैं नहीं दिख रहा मुझे कुछ भी, और शंकर का कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा। और वो इतना ज़्यादा डर जाते पीछे मुड़ के देखते हैं ना शंकर है, ना इस साइड कोई है, ना आगे उन्हें कुछ दिख रहा है और ना चीखने चिल्लाने की लड़ने की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे आस पास कोई होगा और वो चीख रहा है लड़ रहा है। और दादाजी आवाज़ लगा रहे हैं शंकर शंकर शंकर, कोई भी नहीं है आस पास। और वो इतना ज़्यादा डर गए कि वो उसी जगह पर बैठ गए, क्योंकि उनको आगे कुछ दिख भी नहीं रहा था, जंगल वाली साइड चांद की रोशनी भी प्रॉपरली नहीं पहुंच रही थी। और वो इतना ज़्यादा उस रोशनी जो थी वो और जो अंधेरा था उसके बीच का जो डिस्टेंस था ना, जैसे ही वो ख़त्म हुआ, वो रोशनी ख़त्म हुई, इतना अंधेरा हो गया कि वो वहाँ बैठ गए और रो रहे हैं। इतना बड़ा आदमी जो दादाजी थे और इतने तजुर्बे वाले, रोज आना जाना, सोचो वो क्या माहौल हो गया होगा कि उनको कदम चलते हुए दिखे, उनका हाथ किसी ने पकड़ा और वो हवाएं चल रही है और शंकर एकदम से गायब हो गया, लालटेन बुझ गई, कुछ नहीं आगे दिख रहा। वो बैठे और वो रोने लग गए, वो शंकर शंकर चीख रहे हैं, शंकर 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 शंकर। और कुछ देर बाद एकदम से शंकर आ जाता है और लालटेन लेकर आता है, एकदम से हाथ पकड़ता है दादाजी का,
तो वो, और वो सिंपल बोलता, वो ताऊजी बोलता था, ताऊजी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, हमें यहाँ नहीं रुकना है, यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है, जल्दी चलो जल्दी चलो। और ताऊजी भी आके ऐसे साफ कर रहे हैं और पूछ रहे तू कहाँ पर था, वो कह रहे बस चलो चलो चलो। और वो चलने लगे चलने लगे, चलते 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 जैसे वो आधे जंगल से आर मतलब आधे जंगल से पार हो गए, उस टाइम पर एकदम से दादाजी को फील हो रहा है, दादाजी कह रहे हैं कि आस पड़ोस से आवाज़ें आ रही हैं, दादाजी का नाम चीख रहा है कोई, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, इधर से भी चीख रहा है इधर से भी चीख रहा है। और शंकर को बोल रहे, शंकर ये क्या हो रहा है, शंकर बोल रहा है बस आप ध्यान मत दो, आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और वो चलते 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 जैसे ही जंगल की बाउंड्री क्रॉस करते हैं और वो खेत लगते हैं, वहाँ पर शंकर उनको बोलता है आप जाओ, मेरे को थोड़ा काम है बगल में, मैं वो काम निपटा कर आता हूँ, आप जाओ मैं आता हूँ। और दादाजी इतने हताश हो गए थे उस अंधेरे से निकल के कि उनके अंदर विली खत्म हो गई थी कि चलना है नहीं चलना है कैसे चलना है। और आधे रास्ते से शंकर उनको हाथ पकड़कर खींचता हुआ लेकर आया उस खेतों तक। उसके बाद दादाजी बस अपना आराम आराम से चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे, जैसे वो देखते गांव आ गया, चार लोग वहां खड़े बातें कर रहे हैं उनके पास तक, तो जैसे ही पहुँचते हैं वो देखते शंकर पहले जा चुका है, वो बोल के गया कि उसको कोई और काम है, वो आएगा थोड़ी देर में आप जाओ। जैसे उन चार लोगों तक पहुँचते हैं और देखते हैं कि क्या बातें चल रही हैं और वहाँ पर भीड़ चल रही है कुछ, तो एकदम से वहाँ पर सुनने में आता है कि सुबह सुबह आज जो शंकर है उसका निधन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई है और वो नहीं रहा, और इसलिए वहाँ पर इतनी भीड़ हो रही है। और जैसे ही वो दादाजी ये बात सुनते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ रिकॉल होता है कि शंकर मेरे साथ आया है चलते हुए, और वो एकदम से बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं। सब उन्हें उठाते हैं घर लेकर जाते हैं, घर में पानी पूरी मारने के बाद जैसे उनको होश आता है और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो पूरी कहानी बताते हैं कि मेरी बस छुट्टी में जंगल में रास्ते आया, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं डर गया था, शंकर आया लालटेन लेकर और मुझे कह रहा है चलो पीछे मत मुड़ना, कुछ भी हो जाए पीछे नहीं मुड़ना। और चल रहे चल रहे चल रहे वो आधे रास्ते तक लेकर आया और उसे खेतों से पीछे कहा, बाउंड्री थी जहाँ पर गाँव की, कि मैं काम निपटा कर आ रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, मुझे कहीं जाना है, आप जाओ, आप आगे आए गाँव आप जाओ मैं आता हूँ। और दादाजी ने जब सबको बताया तो सब हक्के बक्के रह गए, ये सब भी होता है। अब जो गांव होते हैं ना उनमें ये चीज़ होती है कि ना जब ये इंसिडेंट हो जाते हैं तो पंडित को बुला लेते हैं कि एक बार ना नज़र उतार दो कि डर ना बैठ गया हो, एक बार छोटी सी पूजा कर दो। तो पंडित को बुलाया तो पंडित ने बताया कि वो शंकर की स्पिरिट थी जो दादाजी के साथ आई, और एक्चुअल में इनके भी ग्रह बहुत वीक हैं जो दादाजी हैं, और इनके ऊपर बहुत सारे साए स्पिरिट्स भूत प्रेत वहाँ अटैक करते, जो सब कुछ इनके साथ हो रहा था इनका बचना मुश्किल था, इनका यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था, वो शंकर इनको यहाँ लेकर आया। और शंकर इसलिए इनको लेकर आया कि शंकर इनको बहुत मानता था, शंकर के ऊपर कर्ज था अभी भी इनका और वो चुकाना चाहता था, तो इसलिए वो इनकी हेल्प करने वहाँ पहुँच गया और जैसे तैसे लड़कर उन आत्माओं से स्पिरिट से सबसे लड़कर वो इनको खेतों तक लेकर आया, बाउंड्री तक लेकर आया कि जिसके आगे उनका दायरा नहीं था और ना शंकर खुद आ सकता था, तो वहाँ तक छोड़ा है। और जैसे ये सब सुनते हैं सब आंसू हो जाते हैं कि भाई शंकर ये सब इतना सब कुछ हो गया। और दादाजी भी उसके बाद डिसाइड करते हैं कि उनकी फैमिली में जाते हैं शंकर की, क्योंकि शंकर के घर में शंकर की वाइफ थी और एक बेटा था, उसकी बहू भी थी पर वो भी गरीब ही थे, वो फाइनेंशियली बहुत वीक थे सब। शंकर की फैमिली को बोलते हैं कि आपकी जो भी टेक केयर वगैरह होगी वो मैं देखूंगा, कोई भी आपको दिक्कत आती है मुसीबत आती है वो चीज़ मैं देखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सब चिंता मत करो। और वो सारी की सारी क्रिया करते हैं और जैसी वो सब क्रियाएं हो जाती सब में दादाजी उनकी मदद करते हैं। जब सब क्रियाएं हो जाती है 13वीं भी समाप्त हो जाती है, तो 13वीं वाले दिन जब दादाजी घर पर सोए होते हैं तो उनको सपना आता है, उनके सपने में शंकर आता है और शंकर उनके सपने में हाथ जोड़कर उनको बोल रहा होता है कि मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, मेरी हमेशा मदद करने के लिए धन्यवाद, मेरी फैमिली की टेक केयर करने के लिए धन्यवाद। और वो रो रहा था ये बोलते हुए और उसने बस इतना कहा कि बस सबका ख्याल रखना, और वो सपने से चला गया। सुबह उठ के दादाजी ने अपनी फैमिली के साथ ये शेयर करा कि मुझे ऐसा सपना आया, तो फिर सब ने ये चीज़ बताई कि उन्होंने आपकी इतनी हेल्प करी, आपने उनकी इतनी हेल्प करी, तो इसलिए वो आपके सपने में आए कि आपने उनकी फैमिली की भी हेल्प करी। तो दादाजी को उस दिन ये चीज़ तो पता लगी, और दादाजी अभी भी सबको ये चीज़ बताते थे कि मदद ज़रूर करना, सबकी मदद ज़रूर करना, तुम्हारी मदद का जवाब तुम्हें जीते जी मिल जाएगा या कोई तुम्हें मरने के बाद भी तुम्हारी मदद का जवाब देता है। जब कोई अच्छा काम करता है तो उसका रिवर्ट अच्छा ही मिलता है, वो मरने के बाद मिले, ज़िंदगी जिंदा रहते हुए मिले, जब भी मिले पर वो रिवर्ट मिलता है। और बस उस दिन के बाद दादाजी को कभी भी ऐसा ड्रीम नहीं आया, कभी भी भूत प्रेत ये सब कभी भी कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ, कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। तो दादाजी ने राकेश के साथ ये इंसिडेंट शेयर करा था कि मेरे साथ ये कभी इंसिडेंट हुआ था,
एंड मैंने आप सबके साथ करा, आप सबको कैसा लगा और ये चीज़ों में कितना बिलीव करते हो, किस किस के एरिया में ऐसा होता है और कौन कौन मध्य प्रदेश ग्वालियर के आसपास रहता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड वहाँ ये चीज़ें होती है कि नहीं होती है ये चीज़ें भी ज़रूर बताना, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लोगों के साथ शेयर जरूर करना वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वन शो टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।